सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री राधे मित्रों। जब कोई साथ नहीं दे रहा हो, भाग्य साथ छोड़ दे, तो दोस्तों ये उपाय करिए। धनुराशि वाले जातक, इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे दोस्तों, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। उदास मत होइए, रोने पछताने से कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों जीवन में बहुत बार ऐसे मोड़ आते हैं, अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है कि कोई काम नहीं बनता, जो भी काम हाथ लगाते हैं वो गड़बड़ हो जाता है, वो रुक जाता है, फिर उसमें सफलता हासिल नहीं होती। कोई नया व्यापार चलाए या नया नौकरी बदले, दोनों में असफलता ही हाथ लगती है। ऐसा लगता है कि मानो भाग्य ने साथ छोड़ दिया है। केवल काम पेशा लोग ही नहीं, विद्यार्थी और घरेलू लोगों को भी अपने भाग्य के कमज़ोर होने का एहसास कभी ना कभी ज़रूर होता है। दोस्तों ऐसे में कुछ लोगों को धैर्य बनाए रखते हैं और इंतज़ार करते हैं बुरा वक्त गुजरने का। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि समय धीरे ना धीरे बदल जाएगा, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ भी करके इस अभाग्य से संघर्ष करना पड़ता है और इसे दूर करने का हर पल प्रयास करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो चलिए शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र में क्या उपाय बताए गए हैं, टोटके जो बताए गए हैं बेहद सरल हैं, किंतु इनका प्रभाव जो है बहुत ही लाजवाब है। इसको आप फॉलो करके आप अपने जीवन के कष्ट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों भाग्य का जो दूर करने का छोटा सा उपाय जो है, शास्त्रीय मत के अनुसार इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में जीवन में जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएंगी और भाग्य आपका पहले जैसा साथ देने लगेगा। दोस्तों उपाय करिए, सरसों के तेल में सिक्के, गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार के पुष्प, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई की बत्ती को जलाकर दीपक, पत्तल या कोई भी बर्तन ले लीजिए, पत्ते में रखकर शनिवार की रात्रि में किसी चौराहे या कोने पर रख दीजिए, बीच में नहीं। कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यही छोड़ जा रहा हूँ, इसका जरूर एक बार बोलिएगा। हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यही छोड़ जा रहा हूँ, कृपया मेरा पीछा ना करना। ऐसा कहते हुए सामान को वहीं पर रख दीजिए जो लेकर गए हैं और सीधा घर की ओर निकल जाइए। गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखिए। धीरे धीरे आपके जीवन की सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी, फिर से आप अपने आप को खुश पाएंगे। ये उपाय एक बार ज़रूर फॉलो करिए, ज़रूर आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। जीवन में सारे कष्ट दूर हों आपके, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।